नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो 30 मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई है उसके बारे में। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। UPPDWNL मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021, 30 मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी, वॉक इन इंटरव्यू 5 मई। ये जो नोटिफिकेशन है ये वॉक इन इंटरव्यू है 5 मई 2021 को 9 AM से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30। पोस्ट का नाम है मेडिकल ऑफिसर और इसमें जो पे स्केल है वह है 56,100 लेवल 10 पे स्केल है। अब इसमें किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 13 अनरिजर्व, 8 OBC, 6 SC, ST 0, EWS 3। टोटल 30 वैकेंसीज है और इसमें जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एज लिमिट, तो MBBS डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल काउंसिल। एज जो है लोअर लिमिट 21 एंड मैक्सिमम अपर लिमिट 40 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। एज कैलकुलेशन 1/1/2021 के बेस पे होगा। इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी है, फॉर SC कैंडिडेट ऑफ UP 300 एप्लीकेशन फ़ी है। पे एग्जाम फी थ्रो क्रॉस बैंक डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक इन फेवर ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम पेबल एट लखनऊ। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके और उसमें ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है U39UPRVUSA/2021। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश का है एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू के मेथड से सिलेक्शन होगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई है उसके बारे में। इसमें सैलरी बताया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बताए हैं और वॉक इन इंटरव्यू 5 मई 2021 को होने वाला है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसको और जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।